सफाई निस्फ ईमान है, इसीलिए तो कहते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। बाजारों में मिलने वाली गैर मियारी अशिया की फरोख्त और गर्मी की शिद्दत की वजह से वबाई अमराज में इजाफा होता जा रहा है। आवाम हमारी सस्ती और गैर मियारी चीज़ों को लेके जो अपनी खुराक में शामिल करती है, जिसकी वजह से बीमारियाँ आम हो रही हैं, बिलखसूस गैस्ट्रो उसमें नहायत आम हो रहा है। गुज़श्ता एक माह में 4000 से ज्यादा मरीजों के अस्पतालों में आमद से इस बात का पता चलता है कि शहर में गैर मियारी अशिया के खाने से कितने बच्चे और बड़े मुतासिर हो रहे हैं। जबकि डॉक्टरों के मुताबिक वबाई अमराज में इजाफा गैर मियारी अशिया और बेएहतियाती से होता है। डायरिया बे है बेसिकली, यहाँ पे अमूमन बच्चे लूज मोशन वोमिटिंग के साथ आते हैं एडमिट। ज़्यादातर पेशे आजकल जिस तरह पानी गंदा है और बहुत सारी बीमारियाँ इसी वजह से फैल रही हैं। फिर ये कि मौसम कुछ इस तरह का है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। हमारे पास रोज़ाना 60 से 70 तक डायरिया के पेशेंट आते हैं, वो मुख्तलिफ शिद्दत के होते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको एक उल्टी एक मोशन है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको असेस करते हैं। मार्केट में आने वाली अशिया के लिए हुकूमत का कानून पर अमल दरामद ना करवाना सेहत की सहूलियात फराम करने पर सवालिया निशान है। नाकिस अशिया की फरोख से शहर में मुसलसल वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान।